अखरोट यानी कि वॉलनट एक ऐसी फ्रूट है जो हार्ट के लिए बहुत नुकसान करता है और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट उसी को ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो ये बहुत गलत बात हो रहा है। अब मैंने देखा है कार्डियोलॉजिस्ट का क्या थिंकिंग है कि भाई फैट तो देना ही है पेशेंट को, तो थोड़ा बहुत वॉलनट से भी ले ले। कंसेप्ट ये है कि फैट जम रही है ब्लॉकेज के अंदर और फैट को हम बोलते हैं कम से कम देना चाहिए। हर कोई मानते हैं कम ही लेना चाहिए, कम जब लेना चाहिए तो फिर कम में से तो 1 ही ग्राम होता है, 1 ग्राम का क्यों 1 मिलीग्राम होता है। मैं बोलता हूँ फैट बाहर से दो ही मत। गॉड ने हर खाने में थोड़ी थोड़ी मिनिमम फैट डाल के रखी है, वो हमारे लिए बहुत है, पर नट्स में बहुत ज़्यादा फैट डाल के रखा है। मैं आपको वॉलनट के बारे में बता दूं, हाईएस्ट फैट है नट्स में, 64 ग्राम फैट है 100 ग्राम में। मतलब 100 ग्राम अगर आप अखरोट खा गए तो करीब करीब 12 चम्मच 13 चम्मच नहीं 14 चम्मच तेल आप खा गए अंदर। तो 100 ग्राम अखरोट खाने कितना टाइम लगता है। अखरोट का जो मेडिकल नाम है वो है जुगलेंस, इसको इसकी जो स्पेसिफिक नेम है, और इसमें बहुत हाई कैलोरी होता है। एक तो फैट ज़्यादा होता है जो कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है, और इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है, 687 कैलोरी होता है, 687 कैलोरीज होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। वजन बढ़ाने में बहुत फ़ायदा, नुकसान करेगा, वजन बढ़ाता जाएगा और फैट भी बढ़ा देगा ब्लड में, और अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगी तो आगे आगे हार्ट की ब्लॉकेज भी बनेगी। इसलिए वॉलनट अलाउड नहीं है खाने में, वॉलनट नहीं खा सकते, हार्ट के लिए नुकसान है, वजन बढ़ाने का काम करेगा और उसके संग ब्लड प्रेशर और शुगर में भी नुकसान करता है। तो ये बात याद रखिएगा, वॉलनट के और जो जो दिक्कत है मैं आपको। अच्छा, लोगों को ये धारणा भी बहुत सारे लोग दे देते हैं, वॉलनट ना ब्रेन के तरह होता है तो ब्रेन चमक जाएगा अगर आप वॉलनट खाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे बहुत गरीब गरीब पढ़ाकू आदमी है जो बहुत ऊपर चढ़े जाते हैं, उन लोग वॉलनट कभी नहीं खाते हैं, और इनफैक्ट वॉलनट बहुत कम एरिया में ही खाया जाता है। नॉर्थ के कुछ एरियाज में वॉलनट ज़्यादा खाया जाता है, बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। इससे ब्रेन का कोई डेवलपमेंट में कोई कहीं पे भी कोई प्रूवन चीज़ नहीं है, तो इस बात को याद रखें। हाँ, वॉलनट में कुछ लोग क्लेम कर देते हैं इसमें प्रोटीन है। अरे प्रोटीन तो दालों में है भाई, वॉलनट का प्रोटीन अगर आप चेक करेंगे 10 से 15% प्रोटीन, 15% हाईएस्ट है इसमें प्रोटीन। अगर 15% प्रोटीन है तो हमारे दालों में तो 20-20% प्रोटीन है, तो दाल लीजिए, मिक्स कर करके दाल लीजिए। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, वॉलनट जो अखरोट है ये हार्ट के लिए नुकसान करता है, ब्रेन में कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं करता है, वजन बढ़ाने का काम करता है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज के लिए नुकसान करता है। कुछ लोगों को एलर्जी होता है इससे, और कुछ लोगों को मैं आपको बता दूं वॉलनट के कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती है जिससे अल्सर बढ़ जाती है, जो अगर पेट में कोई को अल्सर है तो वॉलनट खाएंगे तो उसका अल्सर से अल्सर का असर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको वॉलनट नहीं खाना, इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाए। वॉलनट जो है ये हार्ट के लिए ठीक नहीं है। इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों तक पहुँचाएं, गलती से भी वॉलनट खाने की नहीं रखिएगा, इसमें पूरा फैट होता है। आप एक समझ लीजिए, एक एक कटोरी, छोटा कटोरी, 1 कप में एक तरफ वॉलनट रखिए और उसका आधा कप से ऊपर तेल रख लीजिए, इतना ही फर्क है उसमें। मतलब आधा कप तेल आप खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, इतना सा वॉलनट से। तो ये समझ लीजिए वॉलनट बहुत नुकसान करता है, प्लीज़ डोंट टेक इट, इस बात को ध्यान रखें। इस वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को वायरल जरूर करें। हार्ट के लिए मैं हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करता हूं और मैं जानता हूं कोई तरह की फैट की सप्लाई बाहर से ना दें तो अच्छा रहेगा, इस बात को लोगों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।